आज बात करेंगे बटर के बारे में, जो कि आपने कभी ना कभी तो खाया ही होगा। अब इंडिया में मक्खन का क्या महत्व है, ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसी मक्खन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी आज हम अमूल के बारे में बात करेंगे। कैसे अमूल कंपनी मक्खन बनाती है और क्या तरीका है उस प्रोसेस का। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अब दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, जितनी भी बटर बनाने वाली कंपनी है उन सबका प्रोसेस एक जैसा होता है। सबसे पहले बटर बनाने के लिए जरूरी है दूध का होना, और दूध हमें मिलता है डेयरी फार्म से। तो दूध कलेक्ट करने के लिए अमूल कंपनी के बड़े बड़े ट्रक डेयरी फार्म पर जाते हैं, उसके बाद उन्हें अमूल की फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। इन डेयरी फार्म से लगभग 20 मिलियन दूध रोजाना फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। और किसी भी बड़ी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है दूध की क्वालिटी को चेक करना। जब दूध का सैंपल चेक हो जाता है तो उसे उपस्थित स्टोरेज टैंक में पंप कर दिया जाता है। असल में स्टोरेज टैंक दूध को कलेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि दूध को बैक्टीरिया से अलग करने के लिए भी है। उसके बाद इस दूध को पैस्चराइजर चेम्बर में भेज दिया जाता है। पैस्चराइजेशन के बाद ये सुनिश्चित किया जाता है कि दूध में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। सबसे पहले दूध को 71.60 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है 15 मिनट के लिए। उसके बाद बहुत कम टाइम में उसको 3 डिग्री के तापमान पर पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद दूध को सेपरेशन चेंबर में ट्रांसफर किया जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीजों को अलग करता है, ये दूध को क्रीम से अलग कर देता है। हीट ट्रीटमेंट देने की वजह से प्रेजेंट ऑक्सीजेनिक सल्फाइड कंपाउंड का स्रोत कम हो जाता है, जिसके कारण मक्खन जल्दी खराब नहीं होता। इसके बाद इस क्रीम को राइपनिंग टैंक में भेजा जाता है। फिर टैंक में इस क्रीम को 14 से 15 घंटे तक रखते हैं, जिसकी वजह से इस क्रीम को प्रॉपर टेक्सचर मिल जाता है। उसके बाद इसे कंटीन्यूअस बटर या चर्न में भेज दिया जाता है। उसी दौरान इसे संतुलित तापमान पर लाया जाता है। चर्निंग टैंक को बहुत तेजी से घुमाया जाता है, इसकी वजह से उसमें उपस्थित फैट ग्लोबुल्स टूटकर बटर ग्रेन्स में बदल जाते हैं। उसके बाद इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, बटर मिल्क और बटर ग्रेन्स में। जब ये बटर ग्रेन्स एक पर्याप्त आकार में आ जाते हैं, तब चर्निंग के प्रोसेस को रोक दिया जाता है। अगर मक्खन में नमक का इस्तेमाल करना है तो उसको थोड़ा थोड़ा सतह पर छिड़क दिया जाता है। नमक में बटर मिलाने के लिए इसको एक स्पेशल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद बटर को गूंथा जाता है मशीनों के द्वारा। उसके बाद बटर काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। जब सारे प्रोसेस पूरे हो जाते हैं, तब आती है बटर की क्वालिटी टेस्ट की। ये क्वालिटी चेक कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं, जिनको बटर की क्वालिटी चेक करने के सालों का एक्सपीरियंस होता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि कंपनी अपने कस्टमर को अच्छा और एक जैसा सामान दे। सारे टेस्ट पूरे होने के बाद बारी आती है पैकेजिंग की। सबसे पहले एक मशीन बटर पेपर को बिछाती है, आगे एक मशीन बटर को शेप में काटती जाती है, उसके बाद एक मशीन इसको पकड़ के दूसरी तरफ से पैक कर देती है। पैक होने के बाद इसको रेफ्रिजरेटर स्टोरेज रूम में रख दिया जाता है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, आप तक बटर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।